सही फॉर्मेट्स की कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें अपने पास टू इक्विवेलेंट ऑफ कार्बोनल कंपाउंड आकर रिएक्ट करते हैं, मीन्स कंडेंस करते हैं और अपने को प्रोडक्ट देते हैं। अब जो कार्बोनल कंपाउंड अपने पास जो होता है वो इनोलेट की फॉर्म में भी हो सकते हैं और अपने पास कीटो फॉर्म में भी हो सकते हैं। अब इनमें से एक कार्बोनल कंपाउंड इनोलेट फॉर्म में होगा, एक कीटो फॉर्म में होगा, ठीक है। आइए अब देखते हैं रिफॉर्मेट्स की कंडेंसेशन रिएक्शंस की आइडेंटिटी, क्योंकि हर रिएक्शंस को स्टार्ट करने से पहले हम आइडेंटिटी पता होने चाहिए कि इसकी आइडेंटिटी क्या है, तभी हम रिएक्शंस के अप्रोच रिएक्शन में अप्रोच कर सकते हैं कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी कैसे नहीं, ठीक है। तो रिफॉर्मेट्स की रिएक्शंस के अंदर हमारे पास क्या होता है, अल्फा हेलो एस्टर, अल्फा हेलो एस्टर अपने पास होगा, मींस सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ ओईटी और यहाँ अपने पास क्या होगा एक्स, मीन्स ये अल्फा अल्फा पोजीशन पे कोई हैलोजन ग्रुप, दिस इज अल्फा हेलो, ये पूरा एस्टर अल्फा पोजीशन पे क्या है हैलोजन एटम है, अल्फा हेलो एस्टर इसको बोलेंगे हम, ठीक है। इसके बाद क्या होगा इस रिएक्शन के अंदर आइडेंटिटी के लिए, अपने पास क्या होगा इसमें जिंक प्रेजेंट होगा, जिंक मेटल प्रेजेंट होगा और क्या प्रेजेंट होगा इक्विवेलेंट ऑफ ए कार्बोनल कंपाउंड, ये भी एक कार्बोनल कंपाउंड है, इसी का ही एक मतलब कि अपने पास कार्बोनल कंपाउंड होगा, वो कीटोन भी हो सकता है और एल्डिहाइड भी हो सकता है इन दिस केस ऑफ रिफॉर्मेट्स की कंडेंसेशन रिएक्शन। आफ्टर आइडेंटिटी दिस अल्फा हेलो एस्टर वी नो आफ्टर द हेयर होमोलिटिकली क्लीवेज, मींस होमोलिटिकली क्लीवेज बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन दिस फ्री रेडिकल जनरेट एक्स ओ ई टी, ठीक है। देन जिंक, जिंक कंटेन टू इलेक्ट्रॉन, टू इलेक्ट्रॉन मीन्स वन इलेक्ट्रॉन गोज हेयर एंड वन इलेक्ट्रॉन गोज हेयर, देन फॉर्म कार्ब एनायन और ऑक्सी एनायन, सी ओ नेगेटिव हेयर नेगेटिव हेयर एक्स हेयर सी और एक्स एंड हेयर ओ ई टी, ठीक है। एंड देन दिस नेगेटिव साइन फॉर्म्स ए डबल बॉन्ड एंड दिस हेलोजन ग्रुप इज रिमूव, दिस हेलोजन एटम इज रिमूव एज ए गुड लिविंग ग्रुप, यू नो वेरी वेल हेलोजन एटम इज ए गुड लिविंग ग्रुप एंड हेयर सी डबल बॉन्ड सी एंड ओ नेगेटिव और ओ ई टी एंड जिंक टू पॉजिटिव, हेयर जिंक एंड नेगेटिव साइन ऑफ ऑक्सीजन इज आयनिक इंट्रैक्शन बिटवीन ईच अदर, ये आयनिक इंट्रैक्शन है और ये हमारे पास क्या बन गया जिंक इनोलेट, जिंक इनोलेट। मैंने कहा था कंडेंसेशन रिएक्शंस के लिए इनोलेट और कीटोफॉर्म होना बहुत ही जरूरी होता है, इनोलेट हमने फॉर्म कर लिया है क्योंकि इनोलेट हमें डायरेक्ट नहीं मिलता, हमें प्रिपेयर करना पड़ता है इनोलेट। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट सेकंड स्टेप क्या है, इसको आप फर्स्ट स्टेप कह सकते हो, इसको आप फर्स्ट स्टेप कह सकते हो। सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में ये इनोलेट किसी अपने ही किसी मतलब कि इक्विवेलेंट ऑफ कार्बोनल कंपाउंड पे जाके अटैक करेगा, कैसे अटैक करेगा सी ओ नेगेटिव जिंक टू पॉजिटिव सी डबल बॉन्ड सी ओ ई टी, ठीक है। मैं लाया यहां पर सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री, दिस इज अ कीटोन, आप एल्डिहाइड भी यूज कर सकते हो। अब ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव साइन है, ये डायरेक्ट इस जो अपने पास डेफिशिएंट कार्बन है इस पर अटैक नहीं कर सकता क्योंकि ये हार्ड सेंटर है ये सॉफ्ट सेंटर है, तो ये डबल बॉन्ड यहां बनाएगा ये यहां पर और फिर आके ये अटैक करेगा और यहां पर नेगेटिव साइन जनरेट हो जाएगा, क्या बन जाएगा यहां पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो ये जो निकल ये जो डबल बॉन्ड बनाया था इसने तो बना लिया डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, फिर इसके बाद यहां पर पास क्या ओईटी है ये सी और ये सी ने अटैक क्या किया इस कार्बन पर अटैक किया और यहां पर ओ नेगेटिव हो गया। अब जो जिंक टू पॉजिटिव है ये यहां पर इसने इंटरेक्शन कर लिया, मतलब कि ये जहां पर वहां इंटरेक्शन करेगा जहां पर नेगेटिव साइन जनरेट होगा और उसके बाद अपने पास क्या है सी एच थ्री है और ये अपने पास क्या है सी एच थ्री है, ठीक है। इसके बाद मैंने इसका वर्कअप करवाया एच पॉजिटिव सी डबल बॉन्ड ओ ओ ई टी सी सी ओ एच और यहां क्या बन गया सी एच थ्री और यहां क्या बन गया अपने पास सी एच थ्री, ठीक है। इसके बाद क्या होगा ये जो हाइड्रोजन है जो लोन पेयर है ना ऑक्सीजन का ये इस हाइड्रोजन को अपसेट कर लेगा, जैसे इस हाइड्रोजन को अपसेट करेगा यहां पर अपने पास ये डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा और वो एच एस के साथ चला जाएगा, क्या बन जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ ओ ई टी सी एच, यहां पर एच गया तो नेगेटिव साइन बन गया नेगेटिव साइन बना और सी वहां ओ एस टू ने इसने एब्स्ट्रैक्ट किया दिस हाइड्रोजन और ओ एस एज ए गुड लिविंग ग्रुप ओ एस टू निकल जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव साइन बनेगा इसको इसकी वैलेंसी को कंप्लीट कर देगा सी ओ ई टी सी डबल बॉन्ड सी और यहाँ पर क्या अपने पास सी एस थ्री है और यहाँ पर क्या अपने पास सी एस थ्री है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा इसके बाद अपने पास एसिडी किसका हाइड्रोलाइसिस करता हूं मैं, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस का मतलब है यहाँ पर ओ एच नेगेटिव आयन आर के टैक्ट करेगा और ये ओ नेगेटिव आयन बन जाएगा सी ओ नेगेटिव और अपने पास क्या होगा यहाँ पर ओ ई टी और सी डबल बॉन्ड सी सी एच थ्री और सी एच थ्री और यहाँ क्या हो गया ओ एच हो गया
अब ये नेगेटिव साइन डबल बॉन्ड बनाएगा, अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये बाहर होगा ये बाहर होगा, इन दोनों में जो अच्छा लिविंग ग्रुप है ये ओईटी, अपने पास अच्छा लिविंग ग्रुप होता है तो ओईटी बाहर हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ एच सी डबल बॉन्ड सी, दिस इज सी एस थ्री, दिस इज सी एस थ्री, ये अपने पास क्या बन गया, ये बन गया मतलब अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, दिस इज अल्फा पोजिशन, दिस इज बीटा पोजिशन, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड मीन्स डबल बॉन्ड, यहाँ पर मतलब कि सिंगल बॉन्ड ना होना उसको अनसेचुरेटेड बोलते हैं, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड विल बी फॉर्म्ड। ये था कंसेप्ट रिबोमिड्स की रिएक्शन का। आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें पता होना चाहिए क्या, सबसे पहले लास्ट एक ही बात करूंगा इस केस के अंदर, हमें आइडेंटिफिकेशन के लिए पता होना चाहिए कि अल्फा हेलोएस्टर प्रेजेंट होना चाहिए और जिंक इनोलेट होना चाहिए, और जिंक इनोलेट होना चाहिए, ये अगर अपने पास है अल्फा हेलोएस्टर जिंक इनोलेट तो बना दें, इससे जिंक होना चाहिए और प्लस अपने पास क्या होना चाहिए, कोई भी कार्बोनल कंपाउंड इन द फॉर्म ऑफ कीटोफॉर्म, ठीक है। अल्फा हेलोएस्टर से हम क्या बना सकते हैं, अल्फा हेलोएस्टर से जिंक का यूज करते हम क्या बना सकते हैं, जिंक इनोलेट बना लेंगे। जिंक इनोलेट बनाने के बाद हम क्या करेंगे, जिंक इनोलेट के रिएक्शन किसके साथ करवा देंगे, या तो कीटोन के साथ करवा देंगे या फिर किसके साथ करवा देंगे, एल्डिहाइड के साथ करवा देंगे, ठीक है। तो रिएक्शन प्रोसेस हो जाएगी हमारे पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।